Hi everyone. Hi everyone. Very good evening. Welcome to Mama Kitchen. आप सबका नमस्कार कैसे हो खुलम बाय। आज मैं बनाने वाली है बोरो स्टाइल का मसलंकर फ्लावर विद चिकन। तो आप लोग देखिए मैं कैसा बनाती हूँ। और ये फ्लावर मोस्टली आसाम में मिला जाता है। अगर आपको यहाँ पे नहीं मिला तो आप गांव में कभी भी किसी का साथ जाते हैं तो आप पूछ सकता है। खाने के लिए बहुत अच्छा है। और आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना बेल आइकन का हिट कीजिए ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। यहाँ मैं तेल डाला है, तेल अपना हिसाब से डालिए, आपका चिकन का हिसाब से। तेल गर्म हो गया, इसका ऊपर में तो ऐसे थोड़ा सा जीरा पाउडर, उसके बाद चिल्ली, मैंने 3 प्याज लिया है चिकन बनाने के लिए। प्याज को थोड़ा गोल्डन ब्राउनिश में पकाना है, नमक स्वाद के लिए। थोड़ा सा हल्दी कलर के लिए, हल्का सा रेड चिल्ली पाउडर, धनिया पाउडर, एक स्पून गरम मसाला, एक स्पून मिक्स मसाला, मैंने इसको घर में रेडी किया है। मसाला रेडी हो गया, इसके ऊपर हम डालते हैं चिकन। चिकन को पकने देती है मीडियम फ्लेम पे, तो कवर करके ये है स्पेशल मसलंकर फ्लावर। ये ड्राई है, फ्रेश नहीं है, 1 वीक ऐसा सुखाया है इसको। चिकन को चिकन जितना ऑयल डाला उसी से पकाएंगे और चिकन का जो नेचुरल ऑयल आता है उसी से पकाऊंगी, पानी से नहीं है, पानी नहीं डालूंगी चिकन पकने के लिए। ऑलमोस्ट सिर्फ चिकन का ऑयल से पकाने के लिए रखेंगे हम लोग। और इसका ऊपर हम ऐड करेंगे 1 टमेटो, बड़ा बड़ा पीस काट के, तो टोमेटो को भी बीच में रख के ऊपर से आप कवर कर दीजिए। फिर इसको बंद कीजिए 5-6 मिनट के लिए।
ऑलमोस्ट ड्राई हो गया, तो इसके ऊपर हम लोग पानी ऐड करेंगे, पानी पकने के लिए और ग्रेवी के लिए ऐड करेंगे। मैंने ऑलमोस्ट एक मग पानी डाला है, तो इसको पकने के लिए आप ढक के रख दीजिए और हाई फ्लेम में पका सकते हैं आप। जब बॉयल होता है उस टाइम पे हमें ये बेकिंग सोडा थोड़ा सा डालना है ताकि वो पत्ता थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। जो फ्लावर मैंने डाला है वो थोड़ा सॉफ्ट होना है, इसलिए बेकिंग सोडा हल्का सा डाल दीजिए। बेकिंग सोडा डालने के बाद आप इसको फिर से ढक दीजिए। ऑलमोस्ट पक गया, तो मैं यहाँ पे धनिया ऐड करती हूँ। मैं नॉर्मल धनिया नहीं डालती हूँ, मैं यहाँ पे जंगली धनिया डालता हूँ, ये वाला धनिया डाल देती हूँ। इसको छोटा छोटा पीस करके मसाला का साथ और इसको एक बार 5-6 मिनट के लिए पका दी। ये पक गया। लास्ट पकने में आप नमक टेस्ट करके देख सकता है नमक लग गया कि नहीं लग गया। उसके बाद अगर आपको और थोड़ा सा स्वाद के लिए चाहिए तो आप ऐड कर सकते हैं लास्ट। रेडी हो गया, ये खाने के लिए पूरा तैयार है। इसको आप सिर्फ राइस का साथ खाना है, व्हाइट राइस। आप लोग बहुत लोग पूछता है मुझे कि आप लोग डिनर में क्या खाते हैं, तो हम लोग स्पेशली ज़्यादा तो ज़्यादा राइस खाती है और नॉनवेज हम लोग बहुत ज़्यादा खाती है, तो इसलिए मैंने इसको नॉनवेज बनाया चिकन का साथ। बहुत ही टेस्टी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए इसी तरह बना के, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।